रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हैरत की बात है, हर वो शख्स माफी मांगता है जिसने दिल दुखाया ही ना हो, मगर वो लोग कभी माफी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े किए हों। जिम्मेदारियों के हजूम में जो चीज सबसे पहले गुम होती है वो बस अपनी शख्सियत होती है। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं, जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात और है कि मुझे साबित करना नहीं आता। बहुत नवाजा है उस पाक जात ने मुझे, मेरी इबादत के बराबर मिलता तो शायद कुछ ना मिलता। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल चीर भी लेते हैं और दिल जीत भी लेते हैं। हमारी नीयत की पमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करते हैं जो हमें कुछ ना दे सकता हो। शुक्र करना सीख लो, इतना मिलेगा कि शुक्र करते थक जाओगे। बाज़ औक़ात हम लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं तो उन लोगों के नज़दीक आपकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। मायूस हो गए अब जिंदगी के सफर से, मकसद की मोहब्बतें, मतलब की दोस्तियां और नाम के रिश्ते। कमजोर लम्हों में तसल्ली के दो अल्फाज बोलने वाला दिल के बहुत करीब हो जाता है। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। अगर कुत्ते को इंसान 3 दिन रोजाना खुराक डाले तो कुत्ता 3 साल उस इंसान को नहीं भूलता। अगर इंसान को इंसान 3 साल खाना खिलाए तो इंसान 3 दिन बाद भूल जाता है। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।